मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नकली सीमेंट का कारोबार फल फूल रहा है। मीडिया द्वारा लगातार नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा होने के बाद भी यह कारोबार रुक नहीं रहा। अब कंपनी के ऑथोराइज डीलर भी थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। जहांगीराबाद थाने के अंतर्गत एक गोदाम में फरियादी रौनक जोशी द्वारा बताया गया कि बिरला ग्रुप अल्ट्राटेक के नाम से नकली सीमेंट मार्केट में बिक रही है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम गोदाम पहुंची और सीमेंट का सैंपल लेकर जाँच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। जहांगीराबाद क्षेत्र द्वारा सर एक अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के नाम से सर धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया सर, जो नकली सीमेंट बना के बेचते सर, क्या था पूरा मामला सर? ये अल्ट्राटेक कंपनी की तरफ से रौनक जोशी हुआ है, उन्होंने थाने पर आवेदन दिया कि थाना क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट का एक सप्लायर है जो कि उनके द्वारा अधिकृत नहीं है। उन्होंने आरोप लगाए थे कि ये जो सीमेंट बेच रहा है अल्ट्राटेक की बोरियाँ हैं, मतलब उन पर अल्ट्राटेक लिखा है लेकिन उनको अल्ट्राटेक से सप्लाई नहीं किया जा रहा। इस आधार पर वहाँ मौके पर रेड किया है तो अल्ट्राटेक प्रिंटेड बोरियाँ जब्त की गई हैं और सीमेंट की भरी बोरियाँ हैं, उनके सैंपल लिए गए हैं, जांच के लिए भेजे गए हैं। तो इस आधार पर कॉपीराइट एक्ट का प्रथम दृष्टया मामला दर्ज किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना आगे और विवेचना जैसे साथ साथ जाएंगे वैसे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर बोरियाँ लाते कहाँ से थे और लगभग कितने बोरी जब्त करी सर? जो अभी आरोपी का तो ये कहना है कि सर हम परचेज करके लाए हैं, तो वही उसके बिल वगैरह बुलाए गए हैं, उसकी जांच जारी है कि ये सीमेंट कहाँ से लाया है, नहीं लाया है, ये वैध है अवैध है, उसी बात की जाँच चली, उसी बात की विवेचना चली। वहीं जहांगीराबाद के थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक गोदाम में नकली सीमेंट बनाई जा रही है। सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर पहुंची और गोदाम से सीमेंट का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। भोपाल से हमारे रिपोर्टर मुकेश सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ।